उन्हें पूछिएगा क्या चाहते हैं आप, कुछ नहीं, कानून वापस लो। यह एक नई परिपाटी है जो कि खतरनाक परिपाटी है। भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? ये बोलना चाहते हैं वो तथा कथित बुद्धिजीवी तथा कथित आंदोलनकारी, कभी अवार्ड वापसी गैंग, कभी फर्जी पत्रकार गैंग, कभी तथा कथित सेकुलर गैंग, अब ये किसान गैंग के रूप में आ गए हैं। नर्स आंदोलन करे नर्स का ड्रेस पहन लेंगे, किसान आंदोलन करे किसान का ड्रेस पहन लेंगे। ये योगेंद्र यादव तथा कथित नक्सली, ये बहुरूपिया आंदोलनकारी है। अजान पढ़ के निकले, नवाज पढ़ के निकले और सरदार की पगड़ी लगा लिए। आंदोलनकारी का कोई मांग होता तो ये कागज पे मांग अपना लिखते कि मेरी ये डिमांड है, अपनी मांग रखते, अपनी डिमांड रखते, भारत सरकार उस पर विचार करती। लेकिन इनके पास कोई मांग है नहीं, लेकिन इन्हें आंदोलन करना है। इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कभी हवन किया जाएगा स्वाहा, जिससे कि लोगों में आकर्षण बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। इसी प्रकार कभी बच्चों को आगे किया जाएगा, कभी महिलाओं को आगे किया जाएगा। यह आंदोलन तो करना चाहिए था बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, बंगाल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, कि हमारा हक पंजाब मार रहा है, क्योंकि ज्यादातर खरीद पंजाब में हो रही है, जिनको 70% फायदा मिल रहा है देश में, मुट्ठी भर लोगों को, वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ ये फर्जी आंदोलन है। सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, सरकार इनके हर मांग मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग मांग ही नहीं कोई बता रहे हैं, कानून वापस लो, कानून वापस लो। अरे कौन सा कानून आप वापस ले, उसमें क्या गलती है, क्या दिक्कत है, अब ये बताओ ना। उद्योगपति हैं, जितने व्यापारिक घराने हैं उसका विरोध करो, लेकिन ये तथा कथित किसान, कभी चाइना की कंपनी का विरोध करते हुए देखा है, कभी अमेरिकन कंपनी का विरोध करते हुए देखा है, कभी जापानी कोरिया के कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। अडानी और अंबानी का विरोध कर रहे हैं, मतलब अपने देश का उद्योगपति आगे बढ़े, हम उसका विरोध करेंगे, दूसरा लूट के ले जाए। उन्हें तो भारत को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है, वो आंदोलन करेंगे, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। वास्तव में यह किसानों का आंदोलन नहीं है, यह मुट्ठी भर पंजाब के लोगों का आंदोलन है जो देश को बदनाम करना चाहते हैं। इसे किसान आंदोलन मैं कतई नहीं कहता,